येस वी आर लाइफ नाउ हेलो फ्रेंड्स दिस इज इन्शी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न आज है फाइव हिंदी हिंदी का जो एक कम्पलीट कोर्स चल रहा है सी टेट के लिए या किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकता है जहां भी हिंदी पैडागोजी पूछी जाए तो इसमें चैप्टर रहेगा शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स बेसिकली एक ऐसा चैप्टर है जो आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए इल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागलॉजी में अलग से दिया हुआ नहीं है आपके सिलेबस में बट आपको पढ़ना चाहिए इसको इससे ओवरऑल आपकी पैडागोलॉजी बेहतर होती है तो टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है समझेंगे इसको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा हिंदी में भी हेल्प करेगा इवन सभी सब्जेक्ट में पैडागोलॉजी में ओवरऑल आपके टीचिंग के तरीके में या टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में ही मदद करेगा तो सभी को गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सतशाल यू फील कनेक्टेड विद स्टार्ट करेंगे आज का सेशन समझेंगे शिक्षण सहायक सामग्री होपफुली आप लोग तैयार हैं और डिस्कशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम प्रॉपर इसको डीप में समझेंगे कि इसका महत्व क्यों है क्यों हम यूज करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री को कितने प्रकार हैं ढंग से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे स्टार्ट करते हैं एक बार मैं देख लेती हूँ आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो ही आगे बढ़ा जाएगा नाइन थर्टी डेली आपका मेरे साथ सेशन है, जिसमें हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं एक नया चैप्टर बीच बीच में चेंज करते रहेंगे कल कोई थियोरी कर लेंगे या फिर इसी का नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे है ना क्योंकि जिनका हिंदी नहीं है तो ये सभी के लिए है नॉन स्टॉप शुरू करो मैम और कमेंट मत रीड करो प्लीज योगेश कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है योगेश क्योंकि चैप्टर में कॉमेंट पढ़ने से फिर कंफ्यूजन सॉरी कंफ्यूजन नहीं डिस्ट्रेक्शन आता है आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा वो भी लास्ट में क्योंकि इतने सारे कमेंट है दो चार कमेंट हो तो बीच में देख भी लू मैं देख भी नहीं पाऊंगी इतनी तेज चलता है धन्यवाद सचिन चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर फाइव है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी शिक्षण सहायक सामग्री अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि हमें जरूरत कैसे पड़ी या क्यों आवश्यकता है हमें भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता यानी भाषा को पढ़ाने की आवश्यकता ही क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लैंग्वेज को पढ़ाने की फिर उसके बाद हम आएंगे कि कैसे लर्नर्स के टाइप्स अलग होते हैं कितने परसेंट लोग देख करके सीखना पसंद करते हैं कितने लोग सुन करके और फिर उसके अनुसार हमें शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना होता है उसमें भी कई तरह की हैं चाहे वो ऑडियो विजुअल हो ऑडियो हो आजकल तो क्रियाशील यानी कि एक्टिविटी सेंटर्ड भी कुछ टीचिंग मेथड्स हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं तो उनको भी समझेंगे बड़ा चैप्टर रहेगा थोड़ा सा भाषा शिक्षण का महत्व समझ लेते हैं कि भाई पढ़ाने की जरूरत क्या है भाषा की जगह आप यहां कोई और यूज कर सकते हो बट हम स्पेशली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है हम लैंग्वेज पढ़ा क्यों रहे हैं नीड क्या है इसकी तो कह सकते हैं कि ज्ञानात्मक कारण है एक तो कि हमारे ज्ञान में हमारी नॉलेज में वृद्धि हो नॉलेज एनहेंस हो हमारी ताकि हम और बेहतर बन सकें एक तो बात ये हो गई क्योंकि भाषा क्या है हमारी संस्कृति से लेकर हमारे इतिहास से लेकर हमें सारे समाज से लेकर के सारी चीजों से जोड़ती है जिन लोगों को आप शायद कभी मिल नहीं सकते थे जिन लोगों का अपने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस आप उनकी किताब में पढ़ सकते हैं तो क्या है भाषा भाषा के माध्यम से हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट सॉरी गेन कर सकते हैं एक तरीके से कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं अगर हम पढ़ के अपनी समझ बनाना चाहें तो फिर है कौशलात्मक कारण कौशलात्मक मतलब भाषा को सिखाने में हम क्या करते हैं कुछ स्किल्स को भी तो सीखते हैं ना तो ये जो लैंग्वेज स्किल्स हैं रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग इनको भी हम सीख रहे हैं तो एक कारण ये भी है कि आप लैंग्वेज स्किल्स को सीख पाएं ताकि आप बेहतर तरीके से भाषा का प्रयोग कर पाएं फिर है रसात्मकता ह्यूमन बींग्स में एस्थेटिक सेंस भी है और हमें अच्छा लगता है जब हम कहानी कविताएं स्पेशली कविताएं छंद दोहे इस तरह के गाने आप सुनते हैं इतने सारे क्यों क्योंकि रस है उनमें रसात्मकता है इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिर है एक कारण सृजनात्मकता का क्रिएटिविटी का चाहे फिर वो लिटरेचर में हम राइटर बने चाहे हम अपनी कोई पोयम लिखें चाहे हम कुछ अलग सोच पाए डिफरेंट ये भी क्या है सृजनात्मकता हुई क्रिएटिविटी हुई तो हम कह सकते हैं ज्ञानात्मक कारण है ज्ञानवर्धन होगा कौशलात्मक कारण है हमारे जो कौशल हैं भाषा के वो विकसित होंगे सुबो प हमने पढ़े थे सुनना बोलना पढ़ना और लिखना रसात्मकता आएगी जो एस्थेटिक सेंस है वो बेहतर होगा हम ह्यूमस में क्योंकि हमारा काम सिर्फ खाना खा लेने से पेट भर जाने से नहीं होता हमें जीवन में रस भी चाहिए और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी ये एक बात हो गई सिंपल आगे बढ़ जाएं कोई समस्या मेरे ख्याल में नहीं होगी यहां तक बिल्कुल टाइम से आप कर बिना कहे। अब टीचिंग रुचिकर बनाने के लिए ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए आप कुछ मटेरियल्स, कुछ सामग्री यूज करते हैं जिसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कहते हैं शिक्षण में सहायक सामग्रियां कहते हैं यानी ऐसा मटेरियल जो टीचिंग में हेल्प करे उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाए उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाए ठीक है बात अब ये इंटरेस्टिंग बनाना आया कहां से जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि सारे बच्चे यानी जितने भी अधिगमकर्ता है लर्नर्स हैं वो सब एक तरीके से नहीं सीखते हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हमारे अंदर लर्निंग स्टाइल्स हैं तो मेनली एक व्यक्ति थे उनका नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि जरूरी भी नहीं है उन्होंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया इन लर्निंग स्टाइल्स को तीन तरीके से मेनली सीखा जाता है या अलग अलग लोग कैसे सीखना पसंद करते हैं तो सबसे जो एक बड़ी परसेंटेज है वो विजुअल यानी दृश्यात्मक अधिगम करता कह लीजिए आप इसको जो देख करके सीखना पसंद करते हैं जो देख करके सीखना पसंद करते हैं ऐसी ऐसे जो लर्नर्स हैं वो ज्यादातर पाए जाते हैं पैंसठ परसेंट लोग मैं और आप शायद उन्हीं में आएंगे हमें पिक्चर दिखा दो यदि किसी चीज की इमेज दिखा दो या कोई वीडियो दिखा दो जैसे आप अभी भी यहां देख रहे हैं कई लोग कहते हैं बुक में मजा नहीं आता वीडियो देखने में समझ में ज्यादा आता है दैट मीन्स हमें विजुअल्स चाहिए हमें पिक्चर्स के थ्रू इमेजेस के थ्रू मूवीज के थ्रू चार्ट हो ग्लोब हो इन जब हमारी जो मेमरी है जो हमारा सीखने का तरीका है वो है विजुअल हम चीजें दिखाओ तो हम जल्दी सीखते हैं तो ये हो गई बात पैंसठ परसेंट लोगों के साथ बात यही है खाली शब्द बोलूं और मैं आपको यहां पिक्चर दिखा दूं तो उसमें अंतर है ये ज्यादा प्रभावी बनेगा ठीक दूसरा प्रकार है ऑडिटरी ऑडिट्री जिसको ऑरल लर्नर्स भी कह देते हैं जो सुन करके सीखते हैं ऐसे लोग रेडियो हो सकता है जिसका इस्तेमाल करें पॉडकास्ट आजकल पॉडकास्ट का जमाना है गाने भी हम इवन सुनते ही हैं तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं जो सुन करके ज्यादा समझ पाते हो तो ये तीस परसेंट लर्नर्स हैं जो सुन करके सीखना ज्यादा पसंद करेंगे और सिर्फ पांच परसेंट की कैटेगरी है जिनको प्रॉपर करके दिखाओ एक्टिविटी तभी समझ आएगा या तभी उनको अच्छे से समझ में आ पाती है बात जिसको काइंसथेटिक यानी गत्यात्मक कहते हैं इसको हम श्रवण करता कह लीजिए जो आप कहना चाहें श्रव्यात्मक करता यह गत्यात्मक हो जाएगा इनको गति करके या एक आपको एक्टिविटी करके ही सिखाना पड़ेगा ठीक हो गई बात यहां तक की कोई समस्या है तो बताओ तो हम कह सकते हैं कि जो तीन प्रकार हैं ये तीन लर्निंग स्टाइल्स हैं एक तरीके से एक क्या है हमारा विजुअल तो विजुअल में पैंसठ लोग आते हैं ऑडियो में तीस प्रतिशत लोग और पांच परसेंट लोग हैं आपके काइंसथेटिक में ठीक है बात आपकी तो ये एक सिंपल सी बात हुई तो अब हम कह सकते हैं कि हमें ज्यादा चार्ट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम ग्लोब्स का पिक्चर्स का आजकल वीडियोज का क्योंकि ज्यादातर बच्चे देख करके सीखते हैं एक बात ये निकल के आती है कंक्लूजन यहां से निकल के आता है सुन के भी सीखते हैं तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हो साथ में कुछ एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर सकते हो काइंस को भी तो अगर आपने तीनों चीजों को इंक्लूड कर लिया तो लगभग हर तरह के बच्चे तक आप पहुंच जाएंगे सभी को समझाने में आप लगभग सक्षम रहेंगे या बहुत हद तक आप सिखा पाएंगे अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चे को शिक्षण सहायक सामग्री की बात की जाए जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया भाषा के किसी भी पाठ को समझाने के लिए हम जिस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं अभी मैं ये डिस्कस कर रही हूं और आपके साथ में ये पिक्चर है या यहां पर ये पीपीटी बनी हुई है मार्कर का यूज हो रहा है बोर्ड है आपके सामने ये कैमरा है ये मेरे लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो गए वैसे क्लासरूम में आपका बोर्ड्स हुए चाहे फिर वो पिक्चर्स हो आजकल तो मॉडल्स वगैरह बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं कोई ऑडियो टेप हो सकती है कोई क्लिप हो सकती है वीडियो की तो कोई भी एक कुछ भी ऐसे संसाधन या सामग्री जो भाषा को सिखाने में मदद करें प्रभावी बनाए वो भाषा शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री कहलाएंगी ठीक है बात यहां तक कि मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होगी बेसिक सी बात है अब इसके कुछ कुछ महत्व या विशेषताएं जानना जरूरी है फटाफट से मैं डिस्कस करती जाऊंगी आप समझते रहिएगा ठीक है बात कमेंट्स में नहीं लूंगी बीच में तो प्लीज आप ये मत कहिए कि नाम ले लीजिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का अधिगम यानी सीखना होता है ये बात हम जानते हैं भाई हमारी जो एजुकेशन है उसका मेन पर्पज क्या है कि बच्चे सीख पाए लर्निंग हो पाए हो पाए, हमारा मकसद है। है बात? की प्रक्रिया में शिक्षक विविध एवं विभिन्न के सिद्धांत जो हमारी लर्निंग की हम बहुत सारे सिद्धांत बने हुए प्रिंसिपल्स बने हुए हैं जो हमने पहले सेशंस में किए भी हैं कुछ पद्धतियां हैं कुछ विधियां हैं टीचिंग मेथड्स हैं जिनके द्वारा अधिगम कराया जाता है यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आगे प्रोसीड होती है और इसमें से जो तो ये काम है टीचिंग लर्निंग का इसमें अत्यंत उपयोगी क्या चीज है शिक्षण सहायक सामग्री है ठीक है अतः भाषा के किसी भी पार्ट को समझाने के लिए जिस प्रकार की सामग्री का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भाषा शिक्षण सामग्री कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है ये नोट्स में आपके लिए काम आएगा पीडीएफ में शेयर कर दूंगी इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण का वह साधन है जिससे शिक्षार्थियों को किसी विषय का अधिगम कराना बहुत आसान हो जाता है सिंपल बात है आपको सब्जेक्टिव लिखना नहीं है बट ठीक है दो चार लाइन हम सुन लेंगे तो दिमाग में रह जाएंगी ऑप्शंस में से हटाने के काम आएंगी चीजें ठीक हो गई बात आगे बढ़ेंगे अब शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है हमने जान लिया कि हम कुछ टूल्स यूज कर रहे हैं लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए तो उन टूल्स को हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कह रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इससे एक तो आपका जो शिक्षण है जो आपकी टीचिंग है वो इफेक्टिव बनेगी प्रभावी बनेगी अफेक्टिव नहीं बनेगी प्रभावी बनेगी इफेक्टिव बनेगी ठीक और ज्ञान को स्थिर यानी कि परमानेंट करेगा ये चीज भाई आपने मान लीजिए प्याजे के बारे में सुना था लेकिन आपने प्याजे का फोटो भी देख लिया यहां दिमाग में स्थिर हो जाएंगी चीजें यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करके आप परमानेंट कर सकते हैं मेमोरी में चीजों को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं मजेदार बना सकते हैं इनके उपयोग से कक्षा की नीरसता खत्म हो जाती है एक है कि मैं सिर्फ चौक एंड टॉक मेथड कहते हैं लेक्चर मेथड को कि सिर्फ मैं बोलूं और कुछ कुछ चौक से लिखती रहूं जो जनरली जे, होता आया है तो लेकिन जैसे आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करते हैं मैं यहां कोई वीडियो चला के दिखा दूं कुछ और करके दिखाऊं कोई पिक्चर दिखा दूं कोई एक डायग्राम बना दूं उससे क्या होगा नीरसता खत्म हो जाएगी बोरिंग नहीं लगेगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ठीक इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है यानी कॉम्प्लेक्स और जो बिल्कुल माइन्यूट चीजें हैं गहन चीजें हैं उनको भी हम आसानी से समझ सकते हैं आपको ग्लोब पे दिखाया जाए दिखाया जाए देखो ये कंट्री ऐसे है ये इसके सापेक्ष है ऐसे है तो जल्दी सीख पाते हैं हम क्योंकि हमें रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सिखाया जा रहा है एक तरीके से तो हम रियल चीजों से कनेक्ट करके जटिल चीजों को भी कॉम्प्लेक्स चीजों को भी जल्दी से सीख लेते हैं स्थाई बनाने में तो मदद करता ही है एक सक्रिय प्रक्रिया है टीचिंग लर्निंग ये हमने एक सेशन में किया था कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक दिन हमने समझा था क्या रोल है टीचर का और लर्नर का तो बच्चों का सक्रिय रहना देखो ये हमेशा याद रखना जिस भी ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो हमेशा अच्छा है 99% ऑफ द केसेस में ठीक तो जहां बच्चा एक्टिव है बच्चा एक्टिव कैसे होगा जब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करते हैं तो बच्चा सक्रिय रहता है उसका इंटरेस्ट बना रहता है कि अच्छा अब क्या देखने को मिलेगा अच्छा इस पिक्चर में क्या है आज मैम ये चार्ट में क्या लेके आई है है ना इससे शिक्षार्थियों को ज्ञानेन्द्रियों का विकास होता है बच्चों की जो सेंसेस हैं वो डेवलप्ड होती हैं बेहतर होती हैं क्योंकि आप ठीक है आपने जीवन देख लिया लेकिन वो अभी बढ़ती उम्र में है इंटरेस्ट उनका बहुत ज्यादा है क्यूरियोसिटी है आप भी अपने टीचिंग लर्निंग में बीएड बीटीसी डीएलएड जहां पर भी आपने जो भी किया होगा आप लेकर के जाते हो कभी चार्ट कभी फ्लैश कार्ड कभी कुछ कभी कुछ है ना दोस्तों से मांग लेते हो खुद के नहीं बनते होंगे तो तो ये क्या है सेंसेस डेवलप करते हैं जितने ज्यादा बच्चे के सेंसेस यूज होंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितने ज्यादा उसके सेंसेस इन्वॉल्व हैं सुनना भी देखना भी टच करना भी करके भी सीखना है जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं उतनी अच्छी लर्निंग होगी ये कह सकते हैं हम सिंपल बात आगे बढ़ेंगे तो बच्चे क्या है सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं वो खुद करके करना सीखते हैं फिर चीजों को जब उनको आप इस तरह का माहौल देंगे उत्सुकता उत्पन्न होती है उनको दिख रहा है यार आज तो कुछ आया है कुछ अलग दिखाएंगे आज तो मैम है ना तो क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ेगी और क्यूरियोसिटी बहुत ही जरूरी है लर्निंग में सिंपल बात है कोई समस्या बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो चलो फिर आगे आते हैं अब शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार की यदि मैं बात करूं यहां पे हम इस टॉपिक को जोड़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से समावेशी शिक्षा से शिक्षण सहायक सामग्री के कुछ प्रकार हैं मेनली हम चार देखते हैं जनरली हम अपने टीचिंग ट्रेनिंग में तीन पढ़ा करते थे बट आपको इसका भी ध्यान रखना है कि क्रियात्मक सहायक सामग्री आजकल जिनमें एक्टिविटी सेंटर्ड जो मटेरियल्स हैं उनको भी याद ध्यान में रखा जाए जैसे फील्ड ट्रिप हो सकती हैं आप कोई म्यूजियम ले जा सकते हो बच्चे को कोई उस तरीके की एक्टिविटी करा सकते हो डिबेट करा सकते हो दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल एड्स जैसे चार्ट है ब्लैक बोर्ड है या कुछ आपने इस तरीके का दिखा दिया तो ये हो गए विजुअल एड्स जिनको देख करके बच्चा सीख पाएगा ये किसके लिए अच्छे होंगे जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है उनको आप दिखा सकते हो है ना जो बच्चा देख नहीं सकता उनके लिए काम का नहीं है अगर किसी बच्चे को विजुअली देखने में कुछ प्रॉब्लम है दृष्टि बाधित है तो उसके लिए दृश्य सामग्री उतनी हेल्पफुल नहीं है जितना कि उसके लिए ऑडियो होगा दोनों को आप यूज कर सकते हो मिलाकर के बड़ा दिखाओ अगर कुछ दिखा रहे हो थोड़ा अगर थोड़ा बहुत उसको पार्शियल भी दिखता है तो अगर बिल्कुल नहीं दिखता है तो फिर इसका कोई यूज नहीं होगा ऑडियो वाले का ज्यादा यूज होगा अगर किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो उसे दिखा करके सिखा सकते हो तो आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज करोगे किन मटीरियल्स को ये आपके हाथ में टूल्स दे दिए हैं उन्होंने अब आप बनाओ जैसी पेंटिंग बनानी है श्रव्य सामग्री की यदि मैं बात करूं तो ये ऑडियो एड्स हैं इसमें रेडियो हो सकता है पॉडकास्ट हो सकती हैं बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं उच्चारण हो सकता है शब्दों का जो आपको जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं कई बार या ऐसी बहुत सारी एप्स हैं जो आपके प्रोनाउंसिएशन पे काम कराती है, है ना दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल जिसमें आवाज भी है और विजुअल्स भी हैं, जैसे आजकल कंप्यूटर्स हैं या प्रोजेक्टर्स हैं जो प्रॉपर जिनमें आवाज आती है और सामने भी दिखती है पिक्चर या मैं और आप अभी जैसे जुड़े हुए हैं तो हम ऑडियो विजुअल के माध्यम से जुड़े हुए हैं वैसे इसको आईसीटी भी कहेंगे ठीक तो क्रिया सहायक सामग्री है जिसमें एक्टिविटी कराई जाए बच्चों को आप फील्ड ट्रिप पे ले गए किसी लैब में कोई एक्टिविटी करा दी साइंस लैब में या कहीं भी जिसमें वो खुद एक्टिव है तो ये कुछ चार मेन प्रकार हैं इनको आप अगर मर्ज करके यूज करेंगे क्लास में तो सभी बच्चे अलग अलग आवश्यकताओं वाले सीख पाएंगे अच्छे तरीके से ठीक है बात वीडियो यहां से एकदम क्लियर चल रहा है कोई समस्या हो सकती है आपके इंटरनेट में तीन लोग देख रहे हैं और सिर्फ बाईस लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है लाइक शेयर कर दिया करो आके भूल क्यों जाते हो भाई दृश्य सामग्री के बारे में पहले बात कर लेते हैं शाम मतलब ब्लैक बोर्ड आप जानते ही हैं दृश्य ही है आजकल हालांकि व्हाइट और अब तो स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं चार्ट मानचित्र यानी मैप्स और फोटोज चार्ट के थ्रू भी तो हम प्रेजेंट ही कर रहे हैं ना कुछ विजुअल्स ही दे रहे हैं दृश्य ही दे रहे हैं बच्चे को फिल्म स्ट्रिप पहले चलती थी ये अब आपकी बुक्स में पुराने टाइम पे की ही डाली हुई है आजकल तो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा यूज में नहीं है फिल्म स्ट्रिप्स वो जो होती थी बिल्कुल वो रील नहीं आती थी कैमरा की उस तरीके की वो आगे चलती जाती थी प्रोजेक्टर जो सिर्फ लाइट प्रोजेक्ट करता है सामने और उसमें आपको कुछ पिक्चर दिख रही है ओ एचपी ओवर हेड प्रोजेक्टर्स होते हैं जिनमें वो ट्रांसपेरेंट शीट्स लगती हैं ओ एचपी शीट्स आती हैं वो उस प्रोजेक्टर पे रखी जाएंगी फिर उसमें जो भी लिखा हुआ है वो सामने प्रोजेक्ट होगा तो ये भी विजुअल हुआ समाचार पत्र भी क्या है एक विजुअल सामग्री हुई पत्रिकाएं जितनी भी आपकी मैगजीन्स हैं स्कूल्स में काफी चलती हैं ये भी विजुअल सामग्री हुई विजुअल मटीरियल हुआ तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए ऐसा नहीं है मैं ये मान के चल रहा हूं आपको इतना पता होगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से भी एक्सप्लेन कर रही हूं क्योंकि इतना कोई बहुत ज्यादा डीप बात नहीं चल रही है बेसिक चीजें लेकिन आपके दिमाग से एक बार गो थ्रू मतलब ये निकल जानी चाहिए आप एक बार इनसे गो थ्रू हो जाओगे तो पेपर में आसानी होगी आपको पता भी नहीं लगेगा इन डायरेक्टली कहां हेल्प कर जाएंगे है ना अभी हम पाठ्यपुस्तक पर भी आएंगे जिसपे एक क्वेश्चन हमेशा आता है बाल साहित्य पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है उनको समझेंगे शामपट की बात करें यदि और अब आपको पता होगा कि भाई जितने ज्यादा सेंसेस यूज कराएंगे आप उतना अच्छा जितना एक्टिव होगा उतना बेहतर है कंफ्यूज नहीं करना उसको इंटरेस्ट बनाना है उसका ठीक है बात जी सब दृश्य सामग्री है आईपीएल की वजह से नेट प्रॉब्लम है जी ब्रजेश जी आप में से कई लोग तो आईपीएल ही देखने चले जाते होंगे बट ठीक है आप लोग इतनी संख्या में आ जाते हैं आईपीएल के समय पे ये भी काफी है है ना सीख लो कुछ नहीं होने वाला वो आपका टाइम खाने ही बैठे हैं पेपर आ जाएगा फिर दुखी रहना देखो शामपट की बात करें तो ये शाम्पट देख ही रहे हैं आप ब्लैक बोर्ड चार्ट देख रहे हैं नंबर होते हैं और भी बहुत तरह के चार्ट होते हैं भाई आप सिर्फ वन लिखे और वन के साथ एक एप्पल दिखा दें टू के साथ पेयर ऑफ शूज दिखा दें तो क्या होगा दिमाग में ज्यादा एसोसिएशन बनेगा वो जो थॉ था उस दिन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग मतलब आपने जोड़ दिया एसोसिएट कर दिया एक स्टिमुलस से किसी और चीज को पेयरिंग कर दी तो आपको पता है कि सिक्स है तो फाइव है तो फाइव फिंगर्स दिखा दी तो वो फाइव इन फाइव फिंगर्स से एसोसिएट हो जाएगा तो इससे क्या होगा ये साइकोलॉजिकली भी ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं चीजें ठीक है बात आगे बढ़ेंगे पिक्चर्स हो सकती हैं इस तरह की आजकल आप देखते हैं एक क्वेश्चन आया था दो में बाला करके कि बाला की फुल फॉर्म बताओ बी ए एल ए अब बाला क्या है बिल्डिंग एज लर्निंग एड मतलब बिल्डिंग को ही लर्निंग एड के रूप में यूज कर लिया गया इसी को हम बाला कह रहे थे मतलब ये बिल्डिंग है मान लो ये स्कूल की दीवार है उसपे जो सीजन है उनको पेंट कराया हुआ है आप भी देखते हैं आजकल स्कूल की जो दीवारें हैं वो बड़ी रंग बिरंगी होती है कहीं पे मैप बना हुआ है कहीं सांप सीढ़ी बन रही है आजकल कहीं पे टेबल्स लिखे हुए हैं कहीं कुछ सीजन का चार्ट बना दिया कहीं एबीसीडी लिख रहे हैं अभी एक जल्दी ही न्यूज आई थी कि कोई एक महाराष्ट्र के किसी गांव में पूरा उन्होंने दीवारों को पेंट करा दिया ताकि बच्चे सीख सकें क्योंकि स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं तो उस तरीके से होगा क्या बिल्डिंग को ही आपने लर्निंग एड बना दिया यानी सीखने की सामग्री बना दिया स्कूल की बिल्डिंग को ही ठीक है बात बिल्कुल यहां तक कोई समस्या मैप्स भी ऐसे ही हैं ये भी प्रेजेंट किए जाएं आप अपने सामने लगा लीजिए आपको बड़ा मजा आएगा मै, मैप देखने में हमें कोई पढ़ाता नहीं है ठीक से मतलब बहुत सारे लोग हैं ऑब्वियसली जो पढ़ाते हैं बट ज्यादातर केस में इंटरेस्ट नहीं बन पाता तभी हम इन चीजों से डरते हैं नहीं तो मैप में इतना मजा आएगा आपको बहुत ही ज्यादा है है ये इंडिया है पूरा पूरा रोज देखो एक बार सामने लगा करके तो विजुअल मेमोरी हमारी बहुत अच्छे से काम करती है बाला बाला है वो शैतान का साला नहीं है ये नॉर्मल बिल्डिंग है लर्निंग एड है ये बिल्डिंग बी फॉर बिल्डिंग ए फॉर एज एल फॉर लर्निंग एड यानी जो आपकी बिल्डिंग है स्कूल की उसको एक लर्निंग एड के रूप में आपने यूज कर लिया कहीं दीवारों पे कुछ बना हुआ है कहीं कुछ बना हुआ है है ना इस तरीके की चीजें हो रही हैं ठीक है बात जी श्वेता नाम तो ले लिया आपका लेकिन बाकी नहीं ले पाऊंगी तो अभी नाम को अवॉइड करो समझो थोड़ी सी चीजें ठीक है बात क्लियर है दिमाग में रहेगी ना अभी हमेशा बस बात खत्म यही चाहिए अशोक कुमार धन्यवाद आगे बढ़ते हैं तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको रिलेट करके याद रखने हैं ये क्या है स्लाइड प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर्स हैं स्लाइड लगती है इनमें फिर ये सामने प्रोजेक्ट करेंगे बस आपको पता होना चाहिए सब्जेक्टिव पेपर में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में तो मैंने नहीं देखा बट फिर भी आपको पता होना चाहिए ये फिल्म स्क्रिप्ट्स हैं ओ एचपी है इसमें ओवर हेड प्रोजेक्टर शीट्स होती है ट्रांसपेरेंट उनपे पूरा पर वो परमानेंट मार्कर से लिखवा करके और बनवाते थे हमसे है ना तो वो सामने प्रोजेक्ट होता है तो ये विजुअल्स ही है इनमें आवाजें नहीं आ रही हैं कभी आप इनको ऑडियो भी समझे ये सिर्फ विजुअल्स हैं प्रोजेक्टर में आवाज आ सकती है बट मूवी या आजकल के प्रोजेक्टर हैं उनमें आती है श्रव्य सामग्री की बात करते हैं श्रव्य सामग्री की बात करें अगर तो यह है ऑडियो मटेरियल या ऑडियो एड्स कह सकते हो आप इनको ऑडियो एड्स देखते हैं ऑडियो एड्स कैसे हैं ऑब्वियसली बात है जिसमें सुन करके आप सूचना ग्रहण कर रहे हैं यानी इन सामग्रियों के द्वारा कानों से सूचना ग्रहण की जाती है ऑडिटरी सेंस आपका ऑरल सेंस इंग्लिश में कभी भी पूछ सकता है ऑरल ए यू आर ए एल अभी कल परसों ने डिस्कस किया था ये सुनने से ऑडियो से रिलेटेड है बोलने से नहीं है वो ओरल होता है ये वाला ठीक है तो ये छोटी सी कंफ्यूजन अगर दूर हो जाए दो बार बताने से तो कोई समस्या नहीं है ठीक इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट है ऑडियो कैसेट प्लेयर हो सकती है रेडियो हो सकता है आजकल तो बहुत सारे साधन हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है आप बच्चे से सुनने को कह सकते हो व्हाट्सएप पे ही चल रही है आजकल तो पूरा स्कूल व्हाट्सएप पे ही चल रहा है है ना तो ये एक बेसिक बात हुई अब ऑडियो एड्स में देख लेते हैं ऑडियो एड्स में या ऑडियो कैसेट ये क्या है ये भी मैं आपको विजुअल एड्स के थ्रू सिखा रही हूं आपको पिक्चर्स क्यों दिखा रही हूं ताकि दिमाग में रुक सके चीजें और इंटरेस्टिंग बन सके और ये पिक्चर्स मैं ही सबसे ज्यादा यूज करते आ रही हूं इतने टाइम से पूरा ईवीएस आपके साथ इतना अच्छे से डिस्कस किया है पूरे टाइम पिक्चर्स यूज किए हैं क्यों क्योंकि दिमाग में बैठ सके विजुअल लर्नर्स है ना हम लो, लोग पैंसठ परसेंट लोग ऑडियो कैसेट ये आती थी पहले उसमें से ऐसे पेन वन लगा के भी भर देते थे, थे पहले वो वॉकमैन वगैरह आते थे उनमें चलती थी ये वाली कैसेट रहने दो नए जमाने के हो गए हो आप लोग भी है और ये ये रेडियो तो देखा होगा कभी तो ये रेडियो है ठीक नितिका बहुत बढ़िया चैतन बहुत बढ़िया सही है ट का देखेंगे शर्मा आगे बढ़ते हैं देखो एक चीज याद रखो अगर कोई भी सेशन चल रहा है ना लेट्स लर्न पे आप अटेंड कर सकते हो अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ तैयारी एस की हो रही है किसी और एग्जाम की हो रही है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट ही करेगी वो नुकसान नहीं करेगी क्लास क्योंकि सिर्फ टीचिंग एग्जाम ही डिस्कस करते हैं हम दृश्य श्रव्य सामग्री की बात कर लेते हैं अब दृश्य श्रव्य सबसे बेहतर रहेगी इन दोनों में क्यों क्योंकि हाँ ऑडियो की भी बात हो रही है और वीडियो की भी बात हो रही है ऑडियो विजुअल दोनों है ऑडियो विजुअल दोनों हो गए ऑडियो विजुअल एड्स यानी आवाज भी आएगी तो ये वीडियो प्लेयर हो सकता है वो वीसीआर आते थे पहले इतनी बड़ी कैसेट होती थी है ना तो उस तरीके का कोई वीडियो प्लेयर हो सकता है पहले डीवीडीज भी आती थी आजकल तो ये सारे काम या तो कंप्यूटर ने ले लिए हैं या प्रोजेक्टर्स वगैरह ने ले लिए हैं तो ये सिस्टम के थ्रू ही हो जाते हैं है ना टेलीविजन हो सकता है जिसमें आवाज भी आ रही है और आप सुन भी रहे हैं फिल्म प्रोजेक्ट प्रोजेक्टर हो सकता है है ना टीवी पे बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं कुछ चैनल्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से वहां आप देख सकते हो या बच्चा देख सकता है तो वो देखेगा भी सुनेगा भी करते हुए भी देखेगा वो एक आर्टिफेक्ट करके आई थिंक एक वो आता था जब हम छोटे बच्चे थे तो वो बनाना सिखाया करते थे बना नहीं हालांकि कुछ लेकिन वो क्या है ऑडियो भी आ रही है और विजुअल्स भी दिखाए जा रहे हैं सामने तो वो चीज परमानेंट हो जाती है ऑडियो विजुअल इज वेरी मच इफेक्टिव बहुत ही ज्यादा प्रभावी है आगे बढ़ेंगे तो वीडियो कैसेट प्लेयर टेलीविजन ये सब किस में आ जाएंगे ऑडियो विजुअल में आ जाएंगे अब एक चीज आती है भाषा प्रयोगशाला करेंगे, करेंगे तो आपको, आपको एक नहीं तो दूसरी जगह हेल्प कर जाएंगे और आप देश भर से देख रहे हैं आपको नहीं पता किस एग्जाम में आप बैठे और कहां कौन सी चीज टकरा जाए क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है कि बस इतना ही आएगा है ना चलो खैर बहुत बढ़िया भाषा प्रयोगशाला अभी हम पाठ्यपुस्तक पे भी आएंगे जिससे एक क्वेश्चन हर बार आता है भाषा प्रयोगशाला यानी लैंग्वेज लैब्स लैंग्वेज लैब्स ठीक लैंग्वेज लैब्स किस लिए होती हैं बच्चे के उच्चारण में कोई समस्या है है ना तो उसको बार बार वहां प्रैक्टिस कराई जाएगी कई बार वहां ऑडियो फॉर्म में भी चीजें कंप्यूटर के थ्रू सुनाई जाती हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी हो रही है बच्चों को बोलने का मौका मिल रहा है जैसे वो सुन रहा है वैसा ही उच्चारण करने का मौका मिल रहा है उसको बताया जा रहा है से कौन सी आवाज कहावे को टच करेगी जीप तो निकलेगी शाह को ऐसे बोलना है तो वहां अगर किसी को कोई समस्या है बोलने में या कुछ इस तरीके की तो वहां प्रैक्टिस कराई जाती है सही तरीके से भाषा को इस्तेमाल करने की दिखाया जाएगा कि कहाँ से बोलना है यदि किसी को समस्या है तो इस तरीके से भाषा प्रयोगशाला हेल्प करती है उन बच्चों को जो जिनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो ये प्रैक्टिस में भी हेल्प करती है और बताने में भी अब आती है पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है हिंदी इंग्लिश में एक नंबर का क्वेश्चन लिख के ले लीजिए स्पेशली इन सीटेड ठीक बात करते हैं टेक्स्ट बुक की टेक्स्ट बुक क्या है टेक्स्ट बुक एक रिसोर्स है एक संसाधन है वन ऑफ द रिसोर्स ये चीज जरूर याद रखिएगा वन ऑफ द रिसोर्सेस आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं पढ़ाने के उनमें से एक है संसाधन है एक संसाधनों में से एक है या एक संसाधन मात्र है ऐसा नहीं है कि सब कुछ है टेक्स्ट बुक इज नॉट एवरीथिंग ठीक है हम ये नहीं करेंगे पेपर में कई ब... पेपर में कई बार आ जाता है कि बस सिलेबस खत्म करा दो या सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ा दो टेक्स्ट बुक एक रिसोर्स है एक संसाधन है जिसके माध्यम से आपको पढ़ाना है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आपने कोई एक किताब खरीद ली आप एक किताब पढ़ाएंगे सिलेबस में तो बस बच्चे को उतना ही बताओ आप उसको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए कह सकते हैं कुछ मूवी देखने के लिए मतलब कुछ एजुकेशनल मूवीज देखने के लिए कह सकते हैं कुछ आप दिखा सकते हैं कोई एक्टिविटी करा सकते हैं तो जो टेक्स्ट बुक है वो सब कुछ नहीं है इट इज वन ऑफ द रिसोर्सेस कई सारे संसाधनों में से एक है जिसका प्रयोग करें लेकिन इस पर डिपेंडेंट नहीं होना है ठीक टेक्स्ट बुक के भी दो गुण हो सकते हैं एक बाह्य और एक आंतरिक बाहे गुण हो सकता है इंटरेस्टिंग हो बच्चे के लिए प्रिंटेड मटीरियल हो एनरिस्ड हो देखने में अच्छी लगे और जो भी एक मटीरियल है आंतरिक गुण क्या होगा मनोवैज्ञानिक ढंग से बनी हुई हो मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग हुआ हो आजकल तो जेंडर बायसनेस भी ना हो इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है है ना इंटरेस्टिंग हो रुचिकर हो भाषा का जो प्रयोग है वो आसान भाषा का प्रयोग या मनोरंजक भी कह सकते हो या बच्चा जिस भाषा को जिस भाषा से कनेक्ट कर पाए उस भाषा का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए आप देखेंगे अगर एनसीईआरटी बुक्स उठा करके एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है तो एनसीईआरटी बुक्स या एनसीईआरटी अपने बुक्स में जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है वो अपनी बुक्स में साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स का मनोविज्ञान का इस्तेमाल करता है उसकी भाषा को रुचिकर बनाया गया है आप अगर ईवीएस uh, पढ़ेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआर एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको इतना मजा आएगा ऐसे लगेगा जैसे वो बात कर रही है बुक आपसे बच्चों से बात कर रही हो जैसे बहुत ही कन्वर्सेशन की फॉर्म में चीजें दी हुई हैं पिक्चर्स की फॉर्म में चीजें दी हुई हैं एक्सरसाइज भी है तो बीच बीच में टेस्ट भी कर लिया आपको बड़े मजे से तो बुक को बड़ा आसान सा बनाया गया है बड़ा बड़े इंटरेस्टिंग वे में लिखा गया है साइकोलॉजिकली कि वो बच्चे की भाषा से भी कनेक्ट हो पाए तो ये इसके इंटरनल मेरिट्स uh, हैं गुण हैं किसके बुक के कि मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छी लिखी गई हो भाषा का भी ध्यान हो और जो पिक्चर्स हैं या प्रेजेंटेशन है उसका भी ध्यान हो बाहर से भी रोचक हो है ना इस तरीके की चीजों का ध्यान में रखा गया है बहुत ज्यादा भारी भरकम की जरूरत नहीं है ठीक है चलो आ जाओ अब वापस से लास्ट में ले लूंगी मैं डाउट आप लोगों के टेंशन ना लो अभी एक और चीज है बाल साहित्य जिसको हम किसके रूप में लेते हैं ऑब्वियसली एक लर्निंग एड के रूप में ही रहते हैं चिल्ड्रंस लिटरेचर कहेंगे Children's literature या Children's literature की अगर मैं बात करूं तो बाल साहित्य आपने चंपक से लेकर के और चाचा चौधरी तक है ना दो इसके तो आपको अनेक एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनमें बड़ी आसान स्टोरीज होती थी पिक्चर्स का बहुत यूज होता था इससे क्या होगा बच्चों को रीडिंग हैबिट पड़ेगी उसको पढ़ने की आदत होगी उसकी रुचि जागेगी उसके उसके अंदर कल्पना आएगी ये रुचि और कल्पना आपके क्लासमेट्स नहीं है ठीक है रुचि जागेगी इंटरेस्ट आएगा इमेजिनेशन पावर उनकी अच्छी होगी वो लैंग्वेज को एक होल यानी समग्र रूप में देखना शुरू करेंगे है ना उनकी खुद की जो थिंकिंग स्किल्स हैं जो चिंतन की प्रक्रिया है वो उनकी जगेगी तो ये सारी चीजें जितनी भी कॉग्नेटिव स्किल्स हैं ये अच्छी होती हैं बुक से ठीक है एक एक अवधान यानी अटेंशन स्पेन भी बेहतर होता है ठीक इजी टॉपिक है आज बिल्कुल लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब जब हम कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से करेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कुछ लोग पढ़ने ही चैट करने आते हैं जी संदीप उन्हें ज्ञान की प्राप्ति पहले ही हो चुकी है उनके दिमाग में ऐसे बल्ब जल चुका है इनसाइटफुल लर्निंग हो गई है खैर कोई बात नहीं ठीक है दोनों का कॉम्बिनेशन चाचा चौधरी इज माय फेवरेट बहुत बढ़िया तो ये एक बेसिक बात हुई बाल साहित्य क्या है इसका इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों को आप प्रोत्साहित करें पढ़ने के लिए इससे उनके अंदर रीडिंग हैबिट्स आएंगी और बाकी इतनी सारी स्किल्स भी डेवलप होंगी रुचि से लेकर के और कल्पना से लेकर के और चिंतन तक अब है लास्ट चीज क्रिया सहायक सामग्री यानी एक्टिविटी सेंटर्ड मटीरियल अब ये एक्टिविटी सेंटर जो मटेरियल है इसमें क्या होगा इसमें बच्चा क्रिया करके एक्टिविटी करके सीखेगा वो खुद एक्टिव है सक्रिय है मैं ये कह सकती हूँ सक्रिय रखेंगे आप बच्चे को इसमें उसके तरीके से वो बेहतर सीख पाएगा वास्तविक यानी ये रियल लाइफ सिचुएशंस में डाल करके आप सिखा रहे हैं बच्चे को इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है एकदम रियल लाइफ लर्निंग हो रही है क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व है इसमें खुद पार्टि, पार्टिसिपेट करता है भागीदारी है उसकी खुद की इनके द्वारा नई नई चीजों का अध्ययन किया जाता है ऑब्वियसली आप कभी साइंस लेबोरेटरी में ले गए मैथ्स लैब में ले गए वहां कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं कभी फील्ड ट्रिप पर ले गए किसी कोई ताजमहल दिखाने ले गए या कुछ साइंस म्यूजियम ले गए वहां आपने उससे कुछ एक्टिविटीज कराई दिखाई है ना किसी और हिस्टोरिकल साइट पर लेकर के चले गए तो इस तरीके की चीजें जब आप या आजकल बहुत चलन है जैसे ये मदर डेरीज वगैरह में भी दिखा देते हैं ले जाकर के कैसे चीजें बनती हैं क्या होता है इस तरीके की चीजें और इवन एडवेंचर आईलैंड से लेकर कहा ले जाते हैं तो ये एजुकेशनल ट्रिप्स हैं वैसे तो बट कई बार मजे मस्ती का साधन बन के रह जाती हैं इनके द्वारा नई नई चीजों का अध्ययन किया जाता है ऑब्वियसली नई नई चीजें उसको वास्तविक जीवन से जोड़ पाएंगे ना आप जो एनसीएफ कहता है कि जीवन से जोड़ दीजिए लर्निंग को क्लासरूम को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कर दीजिए इससे बालकों का व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है उनको एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है खुद से कुछ मॉडल बनाने का खुद से कुछ कोई एक्टिविटी करके सीखने का उनको खुद से करके सीखने का सक्रिय रूप से लर्निंग बाय डूइंग हुई है तो लर्निंग बाय डूइंग होगी यहां बच्चा खुद से एक्टिव है अब किसी की कोई समस्या हो तो बता दो यहां तक का ही है ये टॉपिक इफ आई एम नॉट रॉन्ग बाकी आगे देख लेंगे अगर कुछ रहता है तो ठीक है बात ईस्ट और वेस्ट हिमांशी इज बेस्ट अच्छा रूपा जी धन्यवाद आप सभी बेस्ट ही हैं स्पीड ज़्यादा थी क्या आज अगर स्पीड ज़्यादा थी तो कमेंट्स में बता देना मैं बहुत स्लो भी समझा सकती हूँ ये <laughs> लेकिन मुझे लगा कि ये बस आपको रिवाइज हो जाए ये चीज़ें बेसिकली आपको पता जरूर होंगी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन रिवाइज होना जरूरी है एक तरीके से आपके दिमाग में आना जरूरी है कई बार सुन के भी चीज़ें याद रह जाती हैं हिंदी पैटागलॉजी के टोटल हो, सेशन होंगे बिल्कुल होंगे पांच सेशन हो चुके हैं मुश्किल से चार या पांच सेशन ही और होंगे आपकी हिंदी पैटागोलॉजी इंग्लिश पैटागॉजी आठ आठ दस दस टॉपिक ही है अगर आप देखेंगे सिलेबस उठा करके कोई और समस्या कोई समस्या नहीं है आपको जिनको कोई समस्या नहीं है उनको पुरस्कार दिलाएंगे अच्छा एक और चीज बहुभाषिकता ये भी इंपॉर्टेंट है ये देख लेंगे इसको डिस्कस करेंगे अभी कर लेते हैं मल्टीलिंगिज्म मल्टी इंग्लिश में भी ये एक क्वेश्चन इस पर जरूर आता है यानी बहुभाषिकता बहुभाषिकता का मतलब है एक क्लास में चार भाषाएं पांच भाषाएं छह भाषाएं बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं यानी विभिन्न पृष्ठभूमि से भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे हो सकते हैं भाषाई जो उनका बैकग्राउंड है जो उनके घर में भाषा बोली जाती है मातृभाषा वो डिफरेंट हो सकती है बहुभाषिकता को हम एक एसेट एक संसाधन के रूप में लेते हैं एक संसाधन के रूप में लेते हैं आप बच्चों की भाषा का उनकी मातृभाषा का इस्तेमाल करेंगे उनको नई भाषा सिखाने में और आपस में भी उनको इंटरेक्ट करने देंगे एक बहुभाषिक कक्षा में क्या होगा बच्चे अपनी भाषा में बात करेंगे कई भाषाओं के शब्दों को वो मिक्स कर सकते हैं क्योंकि कोई पंजाबी परिवार से है कोई गुजराती है किसी के घर में कोई हिंदी बोली जाती है किसी के घर में उड़िया बोली जाती है तो सब थोड़े थोड़े कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं फिर होता नहीं है जैसे आपके चार दोस्त हो है ना इवन रीजन का इतना फर्क आ जाता है तो कई शब्द होते हैं जो आप उनसे सीख लेते हैं तो फिर आ, आ, आप तो क्या हुआ डिस्कशन हो रहा था वो नॉर्मल बोलते बोलते उन शब्दों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप पूछेंगे कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है तो फिर वो बता देगा या बता देगी फिर आपने क्योंकि इतने टाइम आप साथ में रह रहे हैं और एक डिस्कशन हो रहा है तो आप कुछ वर्ड्स उनके सीख लेते हैं वो आपके कुछ वर्ड्स सीख लेते हैं एक तो जुड़ते भी हैं हम यहाँ पे विभिन्नता में एकता की बात भी होती है और नई भाषा सीखने में भी ये चीज हेल्प करती है कि आप उसको माध्यम बना करके सिखा पाए तो बहुभाषिकता एक संसाधन है इसका इस्तेमाल होना चाहिए इसको हमेशा बढ़ावा देना है क्यों क्योंकि अंतर तो रहेंगे बच्चों में भी समाज में भी भाषाओं का भी तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा स्वीकार करना पड़ेगा उनकी मातृभाषा को और कई सारी भाषाओं वाले बच्चे हैं तो ये अपने आप में अच्छी बात है इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे ठीक हो गई बात कई नंबर का सेशन आपका आज का हो चुका है मजाक मजाक में या तो रिवाइज कर लीजिएगा प्रैक्टिस करेंगे तो खुद हेल्प करेगा जो हल्के में ले रहे हैं ना ये आप सिर्फ ये सौ शब्द में आंसर लिखने के लिए नहीं है ये मेन मेन की पॉइंट्स में डिस्कस करती हूँ जो आपको पता होने चाहिए पेपर में आपको हेल्प करेंगे तभी जब आपने खुद प्रैक्टिस की होगी जिनको सिर्फ कहानी सुनने में मजा आ रहा है ना वो मजा काम का नहीं है फिर आप पेपर में क्वेश्चन आएगा घुमा करके और आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो प्रैक्टिस कीजिए इसके साथ एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं अन अकेडमी पर भी आ, पढ़ाती हूँ करंटली आई एम नंबर वन एजुकेटर इन टीईटी कैटेगरी आप लोगों का सपोर्ट है एक पाँच बजे वहाँ सेशन चल रहा है डेली और अगले सात दिन तक चलेगा जो स्पेशल क्लास है वो सभी के लिए फ्री होती है तो पाँच बजे एक मैशअप सीरीज चल रही है गाने नहीं बजते हैं उसमें मैशअप के उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के पैराबाजी हम डिस्कस करते हैं और थर्टी सेकेंड मिलता है आपको एक क्वेश्चन का वो लाइव क्विज का ऑप्शन होता है तो उसको आप अटेंड कीजिए मैं डेली लिंक शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम पर और वो एक घंटे का सेशन है सभी ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा प्लस पे एक कोर्स आएगा इस मंथ का नाइनटीन से शुरू होगा जो कि लाइव होगा सारे सेशन लाइव ही होते हैं पीडीएफ भी अवेलेबल है तो अनसीन पैसेज का ये कोर्स होगा इस मंथ का हर एक मंथ कोई ना कोई कोर्स आता ही है वहां ठीक तो एक इंग्लिश अनसीन पैसेज है बेसिकली मैं इंग्लिश पैडोगोलॉजी पढ़ाती हूँ वहां अन अकेडमी पर तो ये एक छोटी सी बात है अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके फॉलो कर लेना कुछ कुछ सेशंस की अपडेट आपको जाती रहेगी और अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो लेट्स लर्न रेफल कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा क्या होगा जो भी मोस्ट पॉबेबल डिस्काउंट होगा बेस्ट पॉबेबल डिस्काउंट होगा या अवेलेबल डिस्काउंट होगा वो अन अकेडमी आपको अवेल करा देगा ठीक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी बस यही एक कहानी है छोटी सी बात है इसके अलावा अभी टेन फिफ्टीन पर भी एक क्वेज है सभी अटेंड कर सकते हैं आप चाहें तो ज्वाइन कीजिएगा ठीक है बेसिकली कुल मिला के थोड़ी थोड़ी तैयारी चलती रहनी चाहिए यही एक बात है इसके अलावा कोई और समस्या हो तो बताइए इस टॉपिक की प्रैक्टिस कब करवाओगे करा दूंगी किसी भी दिन करा दूंगी कोई दिक्कत नहीं है डाउन थे आप आज करियर विल पे अरे यार तबियत उस टाइम पे बिल्कुल एनर्जी फील नहीं हो रही थी अभी मैं थोड़ा उसके बाद कब खत्म हुआ है वो सेशन एट थर्टी एट थर्टी फाइव तो एक घंटा मिला है मुझे थोड़ा कुछ खाया पिया है चेंज किया है आराम से बैठी हूँ बहुत ज्यादा शायद खाना खाया था उस वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन तो नहीं मिल पा रही होगी है ना तो बहुत ज्यादा डाउन थी बहुत एनर्जी की कमी थी उस वक्त मुझे लग रहा था आज ये वाला सेशन भी ले पाऊंगी कि नहीं बट सही है अभी कोई दिक्कत नहीं अभी आई एम फीलिंग गुड अच्छा चलो ठीक है फिर टेन फिफ्टीन पे मिलते हैं क्वेज में बाकी कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में या तो फिर कोई और टॉपिक करेंगे डेली मिल रहा है नाइन थर्टी है ना टेक केयर ध्यान रखिए